गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। आप सभी इस बात से एग्री करते हैं ना कि फेस्टिवल्स की वाइब्स ही अलग होती है, और ये जो महीना आने वाला है अक्टूबर का, इसमें साल के सबसे बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं। दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा और करवा चौथ और भी पता नहीं कौन कौन से फेस्टिवल्स इस एक महीने में लाई करते हैं। और जैसे कि मैंने इनिशियली बोला कि फेस्टिवल्स की वाइब्स ही अलग होती है, घर से लेके कपड़ों से लेके आप सब कुछ साफ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आप अपने घर को सजाते हैं और इसके साथ साथ आप खुद भी बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं। इवन मैंने तो शॉपिंग भी शुरू कर दी अभी कुछ दिन पहले। दिवाली पे मैं क्या पहनने वाली हूँ उसके बारे में हमने बात की थी, एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी। अमेजोन से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं और इवन अभी मेरी शॉपिंग खत्म नहीं हुई। जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं अब उससे ज़्यादा बेटर प्राइस में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मुझे दिखाई देने लग गए हैं अमेजोन पे। तो बहुत जल्दी मैं आपको अपनी अपडेटेड जो लिस्ट है ना कपड़ों की वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ ताकि दिवाली पे जो आपका चेहरा है वो चमकता दमकता रहे। ऑब्वियसली आप अच्छा सा स्किन केयर रूटीन तो फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर जो मैं टिप्स आपको दे रही हूँ आज से ही वो टिप्स आप फॉलो करने लगेंगे ना, तो एक अलग से ही दिवाली वाला ग्लो आपको अपने चेहरे पे दिखाई देगा। मैंने ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है वो अपने स्किन केयर रूटीन में ऑलरेडी डाल दिया है, क्योंकि करवा चौथ आने वाली है उस पर भी मैं बहुत खूबसूरत, और मैं चाहती हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरी स्किन में जगह चेंज करने की वजह से वो सारी की सारी चली जाए। जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको आज रिकमेंड करूँगी वो सारे के सारे पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, और उन सभी का इंडिविजुअल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अमेजोन का स्टोर मिलेगा, जिसमें अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं, चाहे वो अच्छे फेस वॉश हो, चाहे सनस्क्रीन हो, चाहे मॉइस्चराइजर्स हो, वो सारे के सारे आपको मेरे अमेजोन के स्टोर में मिल जाएंगे। तो वो स्टोर ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्किन केयर का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फेस क्लेंजर्स। आपको एक सही माइल्ड फेस वॉश यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है टीनेज के टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, तो टीवी में मैं जिसका भी ऐड देखती थी वही खरीद लेती थी और उसे ही अप्लाई करना शुरू कर देती थी। लेकिन क्योंकि अभी मुझे पता है कि फेस वॉश जो होते हैं वो स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से ही आपको यूज़ करने चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में अलग और नाइट में अलग अलग फेस वॉश यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपने लिए कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, तो गाइज मैंने बेस्ट फेस वॉश पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अलग अलग स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से, इवन टाइम के हिसाब से कि मॉर्निंग में कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इवनिंग में कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वो वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से चेकआउट कीजिए। जितनी भी टिप्स फेस वॉश से रिलेटेड मेरे पास थी वो सारे के सारे एक्सपीरियंस और टिप्स मैंने उस एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। तो सबसे पहला स्टेप हो गया फेस क्लेंजर। अगर आप अपनी स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के हिसाब से सही फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कोई और स्किन इशू है, तो आप उस वीडियो से थोड़ी से टिप्स लेके अपना फेस वॉश चेंज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो मैं आपको कहूंगी आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर दीजिए, क्योंकि अभी भी फेस्टिवल के आने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, वो है फेस मास्क। फेस मास्क हो सकता है आप यूज करते हो और हो सकता है आप में से यूज ना करते हो लोग, क्योंकि फेस मास्क का अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो गाइज मैं आपको कहूंगी कि आप वीक में एक बार, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है या फिर कोई और वजह हो, पार्टी में आपको कहीं जाना हो, तो वीक में एक बार शीट मास्क जरूर से यूज़ करें। क्योंकि पर्सनली मैं पिछले 2 साल से, जब से शीट मास्क जो हैं लॉन्च हुए हैं मार्केट में, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास कितने सारे शीट मास्क हैं। मेरे पास ये लैक्मे वाला है, मेरे पास ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है, गुड वाइब्स के शीट मास्क भी अच्छी हैं, आप द डर्माको के शीट मास्क ट्राई कर सकते हैं, आप काया के शीट मास्क ट्राई कर सकते हैं। तो जिस भी शीट मास्क पे आपको अच्छा ऑफर मिल जाए, क्योंकि शीट मास्क काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं, आप शीट मास्क जरूर से वीक में एक बार रात में फेस वॉश करने के बाद बस 15 मिनट के लिए लगा लीजिए। क्या क्या फ़ायदे होते हैं शीट मास्क के? पहला, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हैं। दूसरा, इसमें ना एक्सेस सीरम होता है, तो अगर आपकी स्किन हेक्टिक रूटीन की वजह से डैमेज हो गई है, डिहाइड्रेटेड लग रही है, डल लग रही है ना, तो वो सारा का सारा चीज़ें ना एक शीट मास्क
सिर्फ आप एक दिन लगाइए, वो सारा का सारा जो आपका डैमेज हुआ है ना स्किन में वो रिस्टोर कर देती है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है और आपको ना अलग से ही एक ग्लो दिखाई देगा। जैसे ही आप शीट मास्क लगाते हैं तो आप विद इन 2 डेज ही अपने चेहरे में थोड़ा सा स्मूथनेस और थोड़ा सा अपने स्किन का जो टेक्सचर है उसमें अंतर देख पाएंगे। और अगर आप शीट मास्क रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, अलग से ही आपकी स्किन जो है वो एक्स्ट्रा प्लम्पी, ग्लोई, हेल्दी और हाइड्रेटेड लगती है। तो मैं आपको चाहूँगी कि एक बार वीक में सिर्फ और सिर्फ शीट मास्क आप अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लीजिए। आपको डेली नहीं यूज़ करना है, सिर्फ वीक में एक बार यूज़ करना है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको चाहूँगी कि आप अपने करंट स्किन केयर रूटीन के साथ ऐड कर लें वो है नाइट मास्क। मेरे पास आपके लिए 2 बहुत ही अमेजिंग से ऑप्शन है। एक है डॉक्टर शेड का हल्दी हेलोरॉनिक एसिड स्लीपिंग मास्क और दूसरा है ये स्क्वेलिन पिलग्रीम का स्क्वेलिन ग्लो स्लीपिंग मास्क। ये दोनों ही स्लीपिंग मास्क के रिव्यू मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इवन मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स भी दिखाए थे, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप कभी टायर्ड फील कर रहे हो, आपको ये जो स्लीपिंग मास्क है डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करने हैं, अगर आप कभी टायर्ड फील कर रहे हो, आपको वो 3-4 स्टेप वाला नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का मन ना हो, तो आप सिर्फ अपना फेस वॉश कीजिए, उस पर हो सके तो अगर आपका मन हो तो एक मास्क लगाइए। मास्क के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी डॉट एंड की का कोकोवा ग्लो चॉकलेट माउस फेस मास्क या फिर आप पिलग्रीम का 24-कैरेट गोल्ड फेशियल मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो फेस वॉश कीजिए 10 मिनट के लिए, इनमें से कोई भी फेस मास्क अपने चेहरे पे लगाइए। फेस वॉश प्लेन पानी से करने के बाद ये मास्क लगाइए और सो जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। ये आप किसी भी, ये आपका जो प्रोसेस है ये आपको रात में करना है। आप जो करंट स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं रात में, जो भी फॉलो करते हैं, रेटिनॉल हो, विटामिन सी हो या फिर सेरामाइड बेस्ड हो, उसे आप एज इट इज रखिए। लेकिन कभी आपको मान लो मन ना हो, या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया इसके आपको एडिशनल फायदे मिलेंगे, आपको जो आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ग्लोई, प्लम्पी और हेल्दियर लगेगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फेस वॉश के बाद इनमें से कोई भी मास्क लगा सकते हैं। इन मास्क को लगाने के बाद आपकी जो चेहरा है ना वो अलग से ही चमकने लगता है। ये है गोल्ड मास्क, इसके लाइव रिजल्ट्स के साथ मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था और ये मैंने करंटली अभी अभी लिया है, इसे मैंने सिर्फ 2 बार अभी यूज़ किया है। इसका सेपरेट रिव्यू मैं आपके साथ बहुत जल्दी से शेयर करने वाली हूँ। इसमें चॉकलेट है, चॉकलेट आपको टैन को रिमूव करता है, आपको पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाता है और आपको एक इवन स्किन टोन देने में भी हेल्प करता है और आपको ग्लो प्रोवाइड करता है। तो ये मास्क लगाइए और उसके बाद स्लीपिंग मास्क लगाइए और सो जाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। इसके साथ साथ सनस्क्रीन तो आपको लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सनस्क्रीन एक रेगुलर प्रोसेस है जो आपको डेली 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 यूज़ करनी ही है और अपनी स्किन को वीक में एक बार केमिकली एक्सफोलिएट भी करना है। बेस्ट पॉसिबल जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं उस पर भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। बिगनर फ्रेंडली से लेके जो एडवांस लेवल के हैं वो सारे के सारे एक्सफोलिएटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनमें से अपने हिसाब से एक पिक कर लीजिए। द डर्माको के बहुत अच्छे हैं, पिलग्रीम का बहुत अच्छा है, आप मिनिमलिस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप प्लम यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे अमेजिंग हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। अभी दिवाली में 1 महीना है करीब करीब, तो अगर अभी से आप ये जो मास्किंग वाला प्रोसेस है वो अपने स्किन केयर रूटीन में एडिशनली ऐड कर लेंगे तो ट्रस्ट मी गाइस, विद इन 1 मंथ अगर आप बिफोर एंड आफ्टर की क्लिप देखेंगे ना तो आपको अपनी स्किन में अलग से ही इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। बहुत जल्दी मैं आपके साथ बालों के लिए और बॉडी केयर के लिए भी एक वीडियो शेयर करूंगी जिससे मुझे उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। और ये जो मैंने आपको सारा का सारा प्रोसेस बताया है मास्किंग वाला, ये आप सिर्फ ट्राई करके देखिए और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आके अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो गाइज मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म अमेजोन पे मिल जाएंगे। अमेजोन पे एक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है जिसमें आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ही अमेजिंग प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो इसीलिए यही सही टाइम है, आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर दीजिए, 1 महीना ट्राई करके देखिए। आई मस्ट से गाइज, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, आपको जरूर से हेल्प मिलेगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू, बाय बाय।